दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेट्रो से जोड़ने के लिए डीएमआरसी ने एक नई तरकीब निकाली है। जी हाँ, अब आपको मेट्रो से बाहर आने के बाद अपने घर तक पहुंचने के लिए सड़कों पर वाहनों को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुसाफिरों को मेट्रो स्टेशन से लेकर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए डीएमआरसी ने ई रिक्शा चलाने का फैसला किया है। अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाते हुए डीएमआरसी ने पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 ई रिक्शों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीसीटीवी और जीपीएस सिस्टम से लैस ये ई रिक्शे मेट्रो स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में चलाए जाएंगे। फिलहाल डीएमआरसी ने वैशाली मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा चलाने की शुरुआत की है। हालांकि इस सुविधा का लुफ्त उठाने के लिए यात्रियों को ई रिक्शा का न्यूनतम किराया ₹10 चुकाना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें, मेट्रो की 291 फीडर बसों के जरिए 54 मेट्रो स्टेशनों विभिन्न इलाकों से जोड़ा गया है। ऐसे में अब डीएमआरसी की तरफ से ई रिक्शा चलाने से न सिर्फ ग्राहकों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी, बल्कि मेट्रो की प्रदूषण रहित सफर कराने की मुहिम भी बरकरार रहेगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।